अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन और डिफरेंस वीडियो लेके आया बिटवीन अ लैंड क्रूजर LC 200 वर्सेस 300 सीरीज। सो इस वीडियो में इन दोनों गाड़ियों में जो चेंजेस हैं वो आप लोगों को बताई जाएंगी। ये गाड़ियाँ कहाँ अवेलेबल हैं वो ये आप लोगों को बताया जाएगा और वीडियो के एंड में इन दोनों गाड़ियों की प्राइसेस भी आप लोगों को बताई जाएंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। देख सकते हैं साइड बाय साइड भी लैंड क्रूजर्स खड़ी हुई हैं, साइड बाय साइड आमने सामने भी। तो सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट की बात की जाए तो मुझे पर्सनली 200 सीरीज़ थोड़ी सी ज़्यादा बल्की लग रही है एज़ कम्पेयर टू 300 सीरीज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दोज बॉडी किट्स। बट फ्रंट की बात की जाए तो जो आपके 200 सीरीज़ आते हैं उसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दी गई हैं, नीचे DRLs की आ रही हैं, हेलोजन इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, बीच में आपके पास ये क्रोम गार्निश आपको मिल जाती है, 3D एम्बलम टोयोटा का जिसमें फ्रंट कैमरा है, नीचे मॉडल इस्टा की बॉडी किट, हेडलैम्प वॉशर्स, पार्किंग सेंसर्स वगैरह, और ये देख सकते हैं इसकी फॉगलेट्स। इस गाड़ी में क्रोम का काफ़ी ज़्यादा काम आप लोगों को फ्रंट पे नज़र आ रहा है। हुड में स्कूप है और ये V8 इंजन वाली है, 4.6 लीटर V8 इंजन के साथ आती है। ऊपर इसके रेडार जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है उसके कुछ सेंसर्स दिए गए, मतलब कि एडवांस ड्राइवर असिस्ट के सेंसर्स। रिम्स पे आ जाए, रिम्स इसमें आपके पास जो हैं वो 2-टोन में फिनिश है और इसमें सिल्वर में रिम्स को फिनिश किया गया है। टायर साइज़ की बात की जाए जो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपको 20 इंचेस के, हाँ 285/50R20। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है। अब ये LED टर्न सिग्नल्स, नीचे वेलकम लाइट, 360 कैमरा, क्रोम डोर हैंडल्स विद पैसिव एंट्री, रूफ रेल्स मिल रही हैं, साइड क्वार्टर ग्लास देख सकते हैं कितना बड़ा इसमें दिया गया है। इसी तरह साइड पे आ जाएं, बैक पे भी आप देख सकते हैं गार्निश वगैरह आपको मिल रही है, इसमें बॉडी किट्स मिल रही हैं, पार्किंग सेंसर्स, रेयर फॉग लाइट मिल जाती है, V8 की बैजिंग मिल जाती है, ऊपर लावा इफेक्ट में लाइट्स हैं, बाकी हेलोजन फिनिश है। लैंड क्रूजर की बैजिंग, रेयर कैमरा। इस गाड़ी में आपके पास स्पेसिफिक स्प्लिट टेल गेट आता है, जबकि उस पर होगा तो उसका भी बताता हूँ। स्पॉइलर वगैरह आ गया और नीचे इसका सिंगल एग्जॉस्टिव दी होगी, काफ़ी छुपा के दी गई है। अब ये लेटर फ्रेम शेसी पे आती हैं तो इसमें जो आपका स्पेयर टायर है वो नीचे दिया गया है। तो इस गाड़ी में आपके पास स्प्लिट टेल गेट मिल जाता है जो कि वंस अगेन ऑटो टेल गेट है। कहाँ गया इसका बटन, देयर यू गो। सो बड़ा टाइम लगा रहे हैं, देख सकते हैं स्प्लिट टेल गेट है, प्रॉपर 7-सीटर SUV है। इसको आप पुल करके तो इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, बट इसको मैं फ़िलहाल नहीं खोलने लगा। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीट्स है, यहाँ से आप इसको बाकी आप या डाउन कर सकते हैं, सीट बेल्ट्स वगैरह। बेज इंटीरियर है इस गाड़ी का और इंटीरियर पर बाद में आएंगे, अब चलते हैं हम 300 सीरीज़ की तरफ। सो सबसे पहले 300 के फ्रंट की अगर बात की जाए, सो फ्रंट पर आपके पास LED हेडलाइट्स दी गई हैं, थोड़ी सी स्लीक डिज़ाइन है जिसमें DRLs और इसके टर्न सिग्नल्स इसी में आपको मिल रहे हैं। क्रोम का थोड़ा सा कम काम इसके किया गया, आप देख सकते हैं स्ट्रिप्स क्रोम में, बाकी नीचे सिल्वर फिनिश है, 3D एम्बलम, फ्रंट कैमरा, पार्किंग सेंसर्स और हेडलैम्प वॉशर्स मिल रहे हैं, और नीचे आपके पास इसकी फॉग लाइट। काफ़ी सिंपल इस गाड़ी को रखा गया साइड से। और एक और चीज़ साइड पे आने से पहले एक और चीज़ पता चलें, इसकी बॉडी थोड़ा सा वाइड है एज़ कम्पेयर टू 200 सीरीज़। नीचे की बात की जाए अलॉय रिम्स का डिज़ाइन काफ़ी चेंज है, इसमें ऑल्टर एंड टायर्स आ रहे हैं और ये 20 इंचेस के होने चाहिए। ओ यस, 285/50R20। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बेहतरीन है लैंड क्रूजर के, साइड पे आप देख सकते हैं क्रोम का काफ़ी ज़्यादा काम किया गया। इसमें जो आपके साइड मिरर्स हैं वो नीचे डोर पे माउंट हैं, जबकि 200 सीरीज़ में ऊपर आपको मिलते हैं। सेम वेलकम लाइट, 360 कैमरा, क्रोम साइड व्यू मिरर और डोर हैंडल्स पे आप देख सकते हैं क्रोम की लाइनिंग जा रही है, बाकी सेम वही रूफ रेल्स आपको मिल जाती हैं। क्वार्टर ग्लासेस का थोड़ा सा छोटा है और क्रोम की काफ़ी बड़ी गार्निश जा रही है, जबकि इस केस में क्रोम की सिर्फ एक लाइन है, ऊपर कोई क्रोम की गार्निश नहीं दी गई। बैक पे आ जाएं तो LED लाइट्स हैं और इसको भी स्लीक किया गया। स्प्लिट टेल गेट इसमें नहीं आता। लैंड क्रूजर की बैजिंग, रिवर्सिंग कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पर आपके पास इसमें कनेक्शन दिया जाता है, आपने बैक पे कोई RV वगैरह कनेक्ट करनी है या बैक पे होम वगैरह कनेक्ट करना है तो वो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये टोइंग के लिए इसमें दी जाती है। नीचे इसका सेम वही लैडर फ्रेम शेसी आती है तो स्पेयर व्हील नीचे दिया गया है। अब चूँकि ये स्पेसिफिक डीजल वेरियंट है, इसमें 3.3 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज V6 डीजल आता है या 3.5 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज V6 आता है। सो अब हम इस गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं। रिवर्सिंग कैमरा और बैक ऑटो टेलगेट आपको मिल जाता है, जिसको आप प्रेस करके रखेंगे तो बूट इसका ओपन हो गया। इसकी भी ऑटो सीट्स हैं और
बैक पे एक आउटलेट आपको मिल रहा है, इसको हम बंद कर लेते हैं। शीशे पे जाकर लगा है, काफ़ी पीछे करके खड़ी कर दी है किसी ने। चलो जी, ऊपर आपके पास जो है इसका स्पॉइलर दिया गया है, देन आपके पास वाइपर आ जाता है। अब चलते हैं 200 सीरीज़ के बैक साइड पे। देयर यू कैन सी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिल रही है, चूँकि ये टॉप वेरिएंट है। बैक पे आप देख सकते हैं हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, रेयर इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है जो कि टच स्क्रीन में नहीं आती, ऑल ऑटो विंडोज़ हैं, साउंड सिस्टम काफ़ी अच्छा है इसमें। अब आ जाते हैं 300 सीरीज़ पे, तो परफेक्टेड लेदर सीट, हीटेड वेंटिलेटेड, टच सिस्टम बैक के लिए दिया गया, JBL का साउंड सिस्टम, वुडन ट्रिम से आ रही हैं। और बैक पे आप देख सकते हैं डुअल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल रेयर पैसेंजर्स के लिए भी दिया गया है, विद हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स, और नीचे USB पोर्ट्स वगैरह आपको काफ़ी मिल रहे हैं। मैगजीन होल्डर्स आपको मिल जाता है, बीच में ट्रांसमिशन टनल थोड़ा छोटा सा दिया गया है। बस राइट नाउ आई एम इनसाइड 200 सीरीज़। बात की जाए, काफ़ी प्लेन इंटीरियर है, सब हार्ड बटन्स दिए गए हैं। एक चीज़ थोड़ी सी ऑफ लगी है इसमें, जैपनीज़ में फिनिश किया गया। पुश स्टार्ट आ जाता है, मल्टीपल एयरबैग्स हैं, RSE है ऑफ, ऑटो हेडलाइट्स, पार्किंग सेंसर, हेडलैम्प वॉशर, साइड रिट्रैक्टेबल मिरर्स, देन आपके पास मेमोरी फंक्शन आ जाता है, मिलियंस ऑफ एडजस्टमेंट सीट में दी गई। अब हम डोर को क्लोज कर लेते हैं। BSM का फंक्शन आपको मिल जाता है, और देयर यू सी मैसिव V8 की स्टार्टिंग है, तो मज़ा ना आया तो बात करना। सो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे आपके पास हार्ड बटन्स दिए गए, यहाँ से रेयर को आप एक्सेस कर सकते हैं, ऑन ऑफ, ऑटो लगाना चाहते हैं ऑटो पे कर सकते हैं, बट इस वक्त इसका टेम्परेचर जो है वो लो पे कर लेते हैं। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स, इस पे एक मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे इसके जो सिस्टम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और नीचे आ जाएं तो ये इसके वॉल्यूम नॉब आ गई है, AC के कंट्रोल्स, ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर, सनरूफ आपको गाड़ी में मिल जाता है, कैबन आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट कैबन है और काफ़ी अच्छी वाइब दे रहा है। नीचे आपके पास फ़ोन होल्डर दिया जाता है। अब इसमें मैंने कुछ लैंड क्रूजर्स देखे हैं जिनमें आपके पास वायरलेस चार्जिंग की भी ऑप्शन दी जाती है। नीचे की बात की जाए तो एंटी कोलिजन, ऑटो बूट, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स हैं, देन यहाँ से इसका हाइट एडजस्टमेंट, इफ़ यू कुड सी के इस वक्त ये गाड़ी अपनी फुल्ली लोएस्ट हाइट पे चली गई है, सो हम इसको फ़िलहाल के लिए बंद कर लेते हैं। और अगर मैं इसको, इस वक्त ये गाड़ी अपने रेज अप हो रही है, अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी। सो देन आपके पास ये फोर व्हील ड्राइव के कंट्रोल्स हैं, मल्टी टेरेन सिस्टम, क्रॉल कंट्रोल, बाकी यहाँ पे इसके हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह के ऑप्शंस आ जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, सेकंड गियर स्टार्ट, और स्पोर्ट्स मोड वगैरह आ गया, कप होल्डर्स आ गए, देन जस्ट यहाँ पे इस, ये चूंकि टॉप वेरिएंट नहीं है इसका, तो इस वजह से इसमें आपका कूल बॉक्स की ऑप्शन नहीं है, वरना इसमें कूल बॉक्स ऑप्शनल आता है, आप ले सकते हैं। कर्टन एयरबैग्स हैं, देन आर्मरेस्ट में आपके पास अच्छी स्पेस मिल जाती है। ये वाली गाड़ी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो 6-speed ऑटो के साथ आती है ये गाड़ी, जबकि नई वाली के अंदर जाएंगे तो मैं फिर आपको बताता हूं। ऊपर की बात कीजिए, सनग्लास होल्डर वगैरह आपको मिल रहा है। तो ये था इसका बेसिक सा इंटीरियर, सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है लैंड क्रूज़र की। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, देन इमरजेंसी ब्रेकिंग है, लेन कीप, एडेप्टिव क्रूज़ वगैरह इसमें दिया गया है, वुडन स्टेयरिंग व्हील है, स्टिचिंग जा रही है, स्टेयरिंग व्हील आपको ग्रिप करके रखते हैं। साउंड क्वालिटी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। सो अब चलते हैं हम लैंड क्रूज़र 300 सीरीज़ की तरफ, और वो उसके ऑप्शंस आपको बताते हैं। बाकी डिटेल रिव्यू उस गाड़ी का मैंने किया हुआ है, ऊपर लगे हुए लिंक पे क्लिक करके तो आप ये रिव्यू मेरा देख सकते हैं। सो अभी 300 सीरीज़ की तरफ आ गए हूँ, देख सकते हैं डोर कार्ड काफ़ी बड़ा इसका दिया गया है, वुडन ट्रिम से आ रही हैं, मेमोरी सीट कंट्रोल्स हैं, यहाँ से इसके ऑटो हेडलाइट्स आ गई, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह आ गया, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीट्स आपको मिल जाती हैं। और मैं इसके डोर को थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ। डैशबोर्ड देख सकते हैं कम्प्लीटली चेंज है, काफ़ी मॉडर्न वाइब दे रहा है। एक दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिया, नाउ यू कैन सी। और एक चीज़ है, सब कुछ मेरे हैंड की रीच में है। स्टेयरिंग व्हील की बात की जाए, स्टेयरिंग व्हील भी काफ़ी मॉडर्न वाइब दे रहा है। एडेप्टिव क्रूज़ वगैरह इसमें आ जाता है, लेन कीप आ जाता है, डिफरेंट मोड्स आपको मिल रहे हैं, स्टार्ट स्टॉप इस साइड पे दिया गया। एक दफ़ा में मैं इसको, तो देर यू कैन सी स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी, कुछ इस तरह की एनिमेशन ये गाड़ी आपको देती है स्टार्ट होने पे। सो इसमें आपके पास बैटरी की
ऑयल मेंटेनेंस आ गया, बैटरी वोल्टेज आ गया, टेम्परेचर गेज आ गई, फ्यूल गेज, हीट गेज, ऑयल टेम्परेचर गेज, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, देन यहाँ से आपके पास लेन की क्या वार्निंग आ गई, पार्किंग सेंसर्स, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और ऑटो ब्रेकिंग की वार्निंग आ गई, देन नीचे मैसेजेस आ गए पार्किंग आउटसाइड टेम्परेचर, ऑटो, लैंड क्रूज़र का नया सिस्टम जिसमें आपके पास ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाती है। सामने मेरे पास 200 सीरीज़ खड़ी है, एक दफ़ा मैं देखो वो इस वक्त गाड़ी स्टार्ट है तो उसकी DRLs कुछ इस तरह की ऑन होती हैं। बाकी बाहर चल के मैं दोनों गाड़ियों की लाइट्स भी आपको ऑन करके चेक करूँगा। हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स हैं, हीटेड स्टेयरिंग व्हील है, 4-zone ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी में मिल रहा है। यहाँ से इसके मोड सेलेक्टर है, चूँकि ये 3.3 liter ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन के साथ है तो इसमें सिर्फ आपके पास इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है। यहाँ से आपके पास डिफ लॉक आ गया, फोर व्हील ड्राइव के कंट्रोल, मल्टी टेरेन सिस्टम, क्रॉल कंट्रोल, तो यहाँ से आप इसको इंगेज कर सकते हैं। तो ये गाड़ी 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स विद ट्रिप्टोनिक फंक्शन के साथ आती है। पेडल शिफ्टर्स किसी लैंड क्रूजर में नहीं आते। आपके पास वायरलेस चार्जर आ गया, USB पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं, वुडन टेक्सचर आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, और JBL का साउंड सिस्टम इस गाड़ी में आता है, और मल्टीपल एयरबैग्स हैं, सीट एयरबैग्स हैं। सो मतलब इसमें ऑप्शन वाइज तो ये गाड़ी भरी पड़ी है ऑप्शन से। सिल्वर ट्रिम्स आप देख सकते हैं, और एक अच्छी चीज़ लगी मुझे इस गाड़ी में टाइप सी पोर्ट्स भी हैं, वरना पुरानी लैंड क्रूजर्स वगैरह में आपके पास टाइप सी के पोर्ट्स नहीं आते थे, और ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपके पास ये क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल्स आ गए। ये अच्छी बात है कि हर जगह हार्ड बटन्स दिए हुए हैं, मेन्यू में आ जाते हैं, तो यहाँ से आप फ़ोन ऐप्स, इंफॉर्मेशन, डेस्टिनेशन वगैरह, मैप्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। डोंट शो इट अगेन, ओके चलो। तो इस वक्त इसमें कोई ऐप्स वगैरह नहीं इंस्टॉल हैं। तो ग्लव कंपार्टमेंट की बात करते चलते हैं, तो इस गाड़ी का जो ग्लव कंपार्टमेंट है वो 3 sides ओपन होता है, बीच में कूल बॉक्स आपको मिल जाता है। ग्लव कंपार्टमेंट में अच्छी स्पेस है, एयरबैग्स, ऑटो डिमिंग, रेयरव्यू मिरर, सनरूफ आपको मिल जाता है, देन यहाँ से सनग्लास होल्डर। ये आई गेस ये दूसरी लैंड क्रूजर में भी SOS का बटन जो कि पाकिस्तान में वर्क नहीं करता। सनशेड्स में आपके पास लाइट दी गई है, LED लाइट है, और ये वैनिटी मिरर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों साइड्स पे आपको मिल रहा है। ऊपर की बात की जाए तो ये बात करने के लिए आपको माइक दिया जाता है। साउंड क्वालिटी इसकी बड़ी अच्छी है, मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हैं। सीट्स काफ़ी कंट्रोल और ग्रिप करके रखती हैं। 200 सीरीज से ज़्यादा इसकी सीट्स थोड़े सा स्पोर्टी डिज़ाइन में बनी हुई और काफ़ी ग्रिप करके रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल गाड़ी आपको मिल रही है। देन आइडल आपकी आ गई, DPF का आ गया, 360 व्यू कैमरा इसका, 360 काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू 200 सीरीज़। 200 सीरीज़ का काफ़ी आपको ना ब्लरी और मतलब एक चीप फील देता था, कैसा लगता है यार कोई 90s की गाड़ी है, जबकि इसमें आपका व्यू काफी बेहतर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये आपको साइड व्यू दिखा रहा है, देन हम इसी पे बैक ले आते हैं। सो इसको हम प्ले करेंगे तो ये प्ले होना शुरू हो जाएगा, या हम इसको पॉज भी कर सकते हैं। तो ये था इन दोनों गाड़ियों के बेसिक डिफरेंसेस। उस गाड़ी की बात कीजिए, वो 2018 मॉडल है, तकरीबन 5.5 crore उस गाड़ी की आस्किंग प्राइस की जा रही है, जो 200 सीरीज़ है। ये वाली है 23 की इंपोर्ट है, 22 मॉडल है। सो ये गाड़ी जो है ये 9.5 crore में आपको मिल सकती है। तो ये कुछ इस गाड़ी के फंक्शन फीचर्स थे। उस गाड़ी की हॉर्स पावर कम है, इस गाड़ी का टॉर्क काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट 700 Nm टॉर्क है, और एग्जैक्ट हॉर्स पावर मैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, साइड पे मेंशन कर दूंगा। सो ये दोनों गाड़ियाँ आपको सैगल मोटर स्पोर्ट्स की GD रोड ब्रांच पे अवेलेबल हो सकती हैं। अगर आप ये गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स दी हुई हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेल गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।